किस लाभार्थी को क्या लाभ मिले, कितना मिले, इसका नियंत्रण ये परिवारवादी अपने पास रखना चाहते हैं। इससे इनके तीन मतलब सत्य थे। एक, इनके ही परिवार की जय जयकार होती रहे। दूसरा, करप्शन का पैसा इनके परिवार के पास ही आता रहे। और तीसरा, जो पैसे गरीब के लिए भेजे जाते हैं वो पैसे इनके भ्रष्ट इकोसिस्टम के अंदर बांटने के काम आ जाए। आज मोदी ने भ्रष्टाचार की इसलिए जड़ पर प्रहार कर दिया है। मुझे तेलंगाना के भाई बहन बताइए, आप जवाब देंगे? आप जवाब देंगे? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कितना ही बड़ा भ्रष्टाचारी हो, कानूनी कदम उठाने चाहिए कि नहीं उठाने चाहिए? भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कानून को काम करने देना चाहिए कि नहीं करने देना चाहिए? और इसलिए ये लोग तिल मिलाए हुए हैं। बौखलाहट में कुछ भी किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले तो ऐसे कई राजनीतिक दल को अदालत में चले गए, कोर्ट के पास पहुंच गए थे कि हमें सुरक्षा दो, ये हमारे भ्रष्टाचार की किताबें कोई खोले नहीं। कोर्ट के पास गए, कोर्ट ने वहां भी उनको झटका दे दिया और क्या वापस भेज दिया। भाइयों और बहनों, जब सबका साथ सबका विकास की भावना से काम होता है तो सच्चे अर्थों में लोकतंत्र मजबूत होता है। तब वंचितों, शोषितों, पीड़ितों को वरीयता मिलती है। और यही तो बाबा साहब आम्बेडकर का सपना था, यही तो संविधान की सच्ची भावना है। जब 2014 में केंद्र सरकार परिवार तंत्र की बेड़ियों से मुक्त हुई तो क्या परिणाम आया, ये पूरा देश देख रहा है। बीते 9 वर्षों में देश की 11 करोड़ माताओं, बहनों, बेटियों को इज्जत घर, टॉयलेट की सुविधा मिली है। इसमें तेलंगाना के भी